हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज मैं जा रहा हूँ नितिश के मामा के यहाँ। वहाँ पे नितिश के मामा दे रहे हैं पार्टी, तो चलते हैं। नितिश आ रहा है कार से और उसके भैया जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ और नितिश और उसके जीजा जी, तो चलते हैं। मैं आ चुका हूँ नितिश के घर पे और भैया बैक कर रहे हैं कार। साथ में है जिया जी नितिश के और ये नितिश। तो अब हम चल रहे हैं नितिश के मामा के घर, चलते हैं। तो दोस्तों, हम निकल आए हैं और जहाँ पे हमारा गांव है ना, उसी से पहले है नितिश के मामा का घर, ओरछा के आगे। तो चलते हैं। दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं नितिश के मामा के घर। नाना जी नितिश के। नितिश, कैसा फील हो रहा है मामा के घर पे आने का? हैं? बहुत भयंकर। क्या भयंकर? गर्मी। ये देखिए क्या कर रहा, काय बेका कर रहा था। हैं? क्या लूट? तो ये कुरकुरे उरकुरे देख रहा था दुकान में से। ये डेमो लाइव बोरे वाले बड़े। तो अब कहाँ चल रहा है? चल रहा है कुएं पे, अपन अपने मामा जी के कुएं पे चल रहा है। तो वहीं पे है पार्टी? वहीं भी पार्टी है अपनी। और ये आज मामा की तरफ से पार्टी है आज। और ये सामने जा रहा है नितिश के मामा के लड़के। टेलीकास्ट कर दिया। रास्ता नितिश के मामा के खेत पर जाने का कुएं पे। क्या नाम है आपका? बोलो बोलो। ये देखिए कुछ बोल नहीं रहे। बोलो देवान से देखो। आम लगे नहीं है, आप देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये आम के पेड़ हैं और आंधी तूफान से पूरे झड़ चुके हैं आम। जामुन का पेड़ लगा, जामुन भी लगा। और ये नितिश के छोटे मामा ये तौलिया डाल रहे हैं। और भाई मामा नमस्ते। नमस्ते। दो दिन ना गए थे। हाँ ये बनी है होदी और ये है कुआ। वो मरगा कितना गहरा है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है, इसकी तलहटी भी नहीं दिख रही। अब देखा कितना गहरा है। हाँ, कहाँ पावर हाउस? मोटर का पावर हाउस। नहीं तो आम डाले, आम देखो सामने बो डालो। दोस्तों देखिए आम डले हैं। जी और उठा ले, देखिए ये आम गिर चुके हैं। देखिए मिट्टू ने खाए हैं ये। और ये जो है ना, ये आम बहुत ही मीठे लगते हैं। जब मिट्टू जैसे अमरूद खा ले या आम भी खा ले, बहुत ही मीठे लगते हैं। इसके बाद अभी तो ये आम तो मेरे गर्दन पे गिर गया। तो हम खा रहे हैं आम। नितिश भैया लोग वहाँ पे बैठे हैं। महामंत्री मंडल, महामंत्री जी के। तो नाश्ता आ चुका है, भैया खा रहे हैं। हम बैठे हैं, इंतजार में। चूल्हा भी रेडी हो चुका है।
यहाँ पे नितेश पनीर के पीस काट रहा है, घर पे भी काटता था। यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है पार्टी की, मटर पनीर अनीर पूरा सब सामान आ चुका है। यहाँ पे दाल बाटी के लिए तैयारी हो रही है। यहाँ पे भैया मसाला भून रहे हैं। यहाँ पे नितेश की मामी है ये छोटी, और ये बड़ी मामी है, और ये लिट्टी चोखा बना रही है। यहाँ पे नितेश देख रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा, बस पनीर के पीस काट दिए। यहाँ पे नितेश के नाना कथा में बैठे हैं मामा लोग सब। तो अपन कहाँ चल रहे हैं नितेश? अब चल रहे हैं अपन लोग समोसे खाने, अपन पुरानी दुकान में सबसे पहली। तो दोस्तों, नितेश के मामा की मतलब जो आस पड़ोस के जो मामा हैं, तो उनकी शॉप है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं समोसे लेने, और बहुत ही मस्त समोसे। तो नितेश के जो आस पड़ोस के मामा हैं, उनकी शॉप है, तो बहुत ही अच्छे समोसे बनाते हैं, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं समोसे लेने, तो चलते हैं। ये नितेश के खड़ी है मैग्नाइट। तो हम फाइनली दुकान पे आ चुके हैं, और ये नितेश के मामा समोसे प्रिपेयर कर रहे हैं। मामा, आपकी दुकान कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी है, लगभग कम से कम 20 साल पुरानी। हाँ, 20 साल पुरानी है, और इतने स्वादिष्ट समोसे बनाते हैं मामा, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं इस क्षेत्र के मामा जी के समोसे, ये देख सकते हैं आप। समोसे आ चुके हैं। नितेश, कैसा टेस्ट है? बढ़िया। बस बस बस, बताओ कुछ रिव्यू दो अपना। खतरनाक। दोस्तों, इतने मस्त समोसे थे, तो नितेश ने पैक करा लिए भैया लोगों के लिए भी, अब घर जाके भी खाएंगे हम लोग, तो चलते हैं। हाँ, कुएं पे जाके हम लोग आ चुके हैं। नितेश आगे जा रहा, और वहाँ पे कथा हो रही है, कथा संपन्न हो चुकी है, अब आरती हो रही है। तो दोस्तों, कथा का प्रसाद मिल चुका है। तो हम फाइनली खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, और छोटी मामी पर्स कर रही हैं। ये दाल है लिट्टी चोखा के लिए, पर्स ये नितेश। क्या कर दिया जी, चप्पले पहन के। तो दोस्तों, पनीर की सब्जी है, ये भरता है, ये दाल है लिट्टी चोखा की, और ये लिट्टी चोखा है, पूड़ियाँ हैं, और ये नितेश चालू हो गया, देखिए चालू मैं खाऊंगा साथ में। ये है नितेश के मामा के घर का अंदर का व्यू, ये देखिए ये सो रहे हैं, बहुत ही मस्त है। तो दोस्तों, सब कुछ आराम से हो चुका है, खाना आना, और बहुत ही ज़्यादा पेट भर चुका है हम लोगों का, बहुत ही ज़्यादा, और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं, और रात के बज चुके हैं 9, काफ़ी टाइम हो चुका है, अब निकल रहे हैं। देखिए नितेश की हालत है। I thought I could swim. We break up every weekend.
तो हम लोग ओरछा आ चुके हैं और अभी हम पुल पे खड़े हैं ओरछा के, और गाड़ी निकल रही थी। तो हम लोग कंचना घाट पे रुक चुके हैं, फुल स्टॉप लिया एक, और ये हमारी मैग्नाइट, और इस साइड है कंचना घाट, और ये महल बने हुए हैं। और ये कुआं है, इसे बंद कर दिया गया। तो दोस्तों हम राजगढ़ आ चुके हैं, ये पेट्रोल पंप निकल चुके हैं हम लोग, बस हम अपने घर पहुंचने वाले हैं हसारी। तो हम फाइनली हसारी आ चुके हैं। ये हमारा गोविंद नगर जाने की रास्ता, वो ड्रॉप करेंगे बाद में, बाय। तो नितेश ने छोड़ दिया मुझे, अब जा रहे हैं घर। तो दोस्तों मेरी तो हालत ही ख़राब हो चुकी है, इतना पेट भर चुका है, इतना खाया। फाइनली घर पहुंच चुके हैं।